इसका अलग ये सब सारे एक बड़ा टॉपिक है ये फिफ्थ के लिहाज से तमाम उसूल जिसके अंदर व्यवस्था किए गए उसमें उसमें ये छोटे मोटे चोर जो होते हैं किसी का जिसे अपने कहते गन्ना तोड़ गया ककड़ी तोड़ गया खीरा खा के वो चोर नहीं आएंगे वो चोर आएंगे जिन्होंने टैक्स का बुरा निजाम बना के लोगों को परेशान किया है वो सब आएंगे इसके अंदर कि जिसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन हो यानी वो खुद जो है 50,000 रुपया दे और किसी को 10 रुपया दे ये पूरा सिस्टम इसके ऊपर हमें नहीं जाना तो मैं एक शरीफ निजाम की एक इंसानी निजाम की बात कर रहा हूँ इस्लाम एक शरीफ और एक इंसानी निजाम की बात कर रहा हूँ वहां के ऊपर क्या है एक तरीका जो मैंने जहां पर गुफ्तगू यहां तक आई जो उसने अगर नहीं भी कहा है हमें सामान उठाने के लिए उस सही से तो शराफत का तकाजा ये है कि हम जाके उसका बोझ हल्का करें और ये इस्लाम का बेहतरीन कता एक तारीख से वाकई मैं आपकी खदमत पेश करूँ मक्के में हुजूर जा रहे थे देखा कि एक बुढ़िया है एक गरीबा है और वो अपना पानी उठाना चाहती है पानी नहीं उठ रहा है मुश्किल से उठाती है जो भी जो भी रफ रहा होगा उसको उठा के ले जाती है दो कदम पर रखती है फिर आगे बढ़ती है तो हुजूर ने इसमें एक और गोशा निकल आएगा कि जो लोग किसी को बुरा कहते हैं परवाह ना करें इंसान नेकी करता चला जाए हमेशा नेकी के खिलाफ प्रोपेगंडा होता है मीडिया लगते हैं प्रोपेगंडा होता रहता है हमें जो करना है वो करते जाए तो हुजूर ने उस ज़ईफ़ा का पानी उठाया और उसके घर तक पहुंचा दिया तो उसको ये फेल इतना अच्छा लगा तो उसने बड़ी दुआएं दी अल्लाह तुम्हारी जवानी को कायम रखे यानी अगर जवानी किसी की खिदमत में सर्फ होती है तो काबिल दुआ है और अगर फसाद के लिए सर्फ हो रही है तो काबिल लानत है यानी जब रसूलुल्लाह ने उस बुढ़िया का पानी पहुंचाया उसके घर तक ज़ईफ़ा का तो उससे बड़ी दुआएं अल्लाह तुम्हारी जवानी को कायम रखे तुम्हें सेहत दे सलामती दे सारी बातें की उसके बाद जो दुआ देते थे आखिरी मंजिल पे आई वो कहती है कि और मैं तुम्हें तुमने बहुत बड़ा काम किया कि तुमने पानी उठा के हमारे घर तक पहुंचा दिया तुम्हारा एहसान लेकिन मैं इस सिलसिले में तुम्हें एक नसीहत करती हूँ वो नसीहत ये है कि तुम एक मोहम्मद नाम का शख्स उससे बच के रहना एक मोहम्मद नाम का शख्स मक्के में आया है वो जहां जाता है वहां हंगामा पैदा हो जाता है भाई भाई में इख्तलाफ हो गया घर में इख्तलाफ हो गया मियां बीवी में इख्तलाफ हो गया तो ये जो लोग कहते हैं कि आपकी बातों से इख्तलाफ होता है जब सही बात होगी तो इख्तलाफ होगा मसला ये देखिए क्यों इख्तलाफ हो रहा है किसी को लड़ा हम किसी को लड़ा तो नहीं रहे अब आप जब हक बयान करेंगे जब आप बताएंगे यहाँ पे दो आदमी जब मुसलमान होगा तो वो जो गैर मुस्लिम वो मरेगा तो तुम खानदान में क्यों ऐसा हो गया भाई तुम क्यों उस मजहब को इख्तियार कर रहे हो हुजूर का आलम यह था जब तबलीग करते थे कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू कहते थे एक लड़का मुसलमान हो गया अब चार खानदान वाले से पिटने खड़े हो गए शौहर मुसलमान हो गया बीवी नाराज हो गई बीवी मुसलमान हो गई शौहर नाराज हो गया ये सारे मसाइल खड़े होते और जहाँ ये हुजूर जाते थे वहां इस तरीके का इख्तलाफ खड़ा होता था तो सिर्फ इख्तलाफ होने की बना भी ना कह दिया कि यह गलत हो रहा है रसूलुल्लाह ने काम शुरू किया पूरे मक्के में घर टूट गया महल्ला टूट गया कबीला टूट गया वो मुसलमान हो गए तो वो नाराज वो मुसलमान हो गए तो वो नाराज बीवी मुसलमान तो शौहर नाराज शौहर मुसलमान तो बीवी नाराज भाई रिश्तेदार अजीज एक हंगामा खड़ा था तो दौलत ने कहा कि देखो उस शख्स से बच रहना वो जहां जाता है हंगामा खड़ा होता है उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वो शख्स हम ही हैं हमने तो सुना ये था जो इख्तलाफ फैलाता है वो मारधाड़ करता है वो झगड़ा लड़ाता है कहा कि वो मैं ही हूँ और उसके बाद पूरा फलसफा बयान किया इस्लाम क्या है उससे क्या होता है उसके बाद ये खिदमत उस पर इतना असर कर चुकी थी जो उसने उन्होंने खिदमत अंजाम दी थी जो उसका पानी वहां तक पहुंचाया था वो कह दिएगा अब हाथ बढ़ाए मैं बैर मोहम्मद वाले मोहम्मद अगर एक गरीब आदमी अपना सामान हाथ को उठा के ले जा रहा है वो तो अपना काम कर ही रहा है लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम उसके काम में मदद करें उसी तरह अल्लाह का ये काम है कि वो अपने दीन को गालिब बनाएगा लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी होती है कि हम भी उसके दीन के गालिब आने में हम मदद करें जो कुरान के तुम अगर अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा यानी अल्लाह की मदद का मतलब अल्लाह के दीन के अगर हम काम आएंगे तो अल्लाह हमारे काम आएगा यानी हम भी अपने किरदार को ऐसा बनाएं कि हमें देखने के बाद चाहे लाख प्रोपेगंडा हमारे खिलाफ हो जाए लेकिन जब हमसे जैसे उस बुढ़िया को के कामों में उस ज़ईफ़ा के कान में प्रोपेगंडा पहुंच चुका था लेकिन जब वो रसूलुल्लाह ने अपना किरदार पेश किया या वो वाला वाकया जो कूड़ा करकट और गलालत फेंकती थी हुजूर उसकी जिम्मेदारी के लिए गए वो मुसलमान हो गई तो चाहे लाख प्रोपेगंडा तो होता है होता रहेगा लेकिन हम अपना किरदार ऐसा रखें कि जब कोई हमसे मुलाकात करे जब किसी की हमसे मुलाकात हो तो उसे लगे कि जो सुनते आए थे वो गलत था
हमारे बारे में जो कुछ प्रोपेगेंडा हो, ये ऐसे होते हैं और ये फना करते हैं और ये करबला हज के लिए जाते हैं। तो ये करबला हज के लिए जाते हैं तो फिर ईरानी मक्के में क्या करने जाते हैं? ये 1000 प्रोपेगेंडा दुनिया में कि शिया करबला जाते हैं हज करने के लिए। ठीक है, शिया करबला हज करने नहीं जाते हैं, लेकिन जब करबला जाते हैं तो हमसे ज्यादा सवाब लेके आते हैं। जिसको आप शिया कहते हैं, और शिया तो नहीं सब जा रहे हैं, लेकिन ईरान से तो 99% शिया जा रहे हैं। तो वो क्या करने जाते हैं मक्के में? क्या करने जाते हैं? या यूं कहिए शैतान को मारने जाते हैं? शैतान को तो मारते ही, देखो किसको मार रहे हो आप, जानिए आप काम जाने। एक मसला तो ये है, तो अभी से आप क्या कहिए प्रोपेगेंडा होता है। हाँ, ये और बात है, करबला हज जाते हो, हज से ज्यादा सवाब, और सवाब कैसे? ऐसे मसले में बहुत से लोगों का कलेजे में अचानक दर्द होता है, क्या बोल रहे, ये क्या कह गए, हमारा मजहब क्या हो गया, कुछ नहीं कहता। और ये बताइए, सलामी का एक मसला देख लीजिए, सलाम करना क्या है? मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। ठीक है, सलाम करने का एक सवाब, सलाम करने का मैंने जवाब देना क्या है? वाजिब है। तो वाजिब है उसका एक सवाब, और सलाम करने का 99 सवाब। किसी को यहाँ पे दर्द ना हुआ कि मुस्तहब का ज्यादा कैसे है और वाजिब का कम कैसे है? तो एक मोमिन को सलाम करो तो इतना सवाब हो जाए, अगर अमीरुल मोमिनीन को सलाम करे। ऐसे 1000 मसाइल सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ उठा के देख लीजिए कि मुस्तहबात के कितने बड़े बड़े सवाब हैं। 1000 अबवाब मौजूद हैं सुनन में और रिवायती किताबों में। उस वक्त कहीं जहाँ करबला का मसला आएगा और इमाम हुसैन का मसला आएगा, ये कैसे हो सकता है, वो सवाब कैसे होगा और फला कैसे होगा, 1000 सबके आने लगते हो, किताबें छपने लगती हैं। और यहाँ उठा के देख लीजिए मुस्लिम शरीफ में जो अबवाब है, उठा के आज भी उर्दू में ही मुतरजमा है। जिसने एक बार ये किया वो 1000 हज का सवाब हो गया, जिसने एक बार ये दुआ पढ़ी 2000 हज का सवाब हो गया। वहाँ पे किसी ने ना पूछा ये कैसे होगा? पहले महल में देखना होगा जिसके सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं वो है कौन। अगर सिर्फ इस मसले में होता तो एक बात, तमाम मसाइल में एक भी 1000 ऐसे मसाइल, और रवायतें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बारे में ऐसी आती है कि अगर इंसान मारिफत के साथ अंजाम दे दे तो ये समझिए कि वो सब कुछ बख्शा से मारे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या ज़ियारत की वजह थी? मौला फरमाते हैं, अगर किसी ने इमाम हुसैन की ज़ियारत मारिफत के साथ की तो उसने अल्लाह की ज़ियारत उसके अर्श पर, शर्त है मारिफत। अगर उनकी ज्यारत इस मारिफत के साथ करे वो कितने करीम हैं, तो जब ये इतने करीम है तो अल्लाह कितना बड़ा करीम होगा। अगर इनका करम ये हो तो उसका करम क्या होगा, अगर इनका रहम ये हो तो उसकी रहमत क्या होगी, अगर इनका इल्म ये तो उसका इल्म, अगर इनकी विवाद रहती है तो अल्लाह की कुदरत क्या होगी। ये बाबुल्लाह है मारिफत, अगर ना होता तो फिर अल्लाह इनको बनाता, अल्लाह इनको भेजता, अल्लाह इनको बाबुल्लाह बैतुल्लाह कहता, क्यों बाबुल्लाह कहता? क्योंकि इंसान मुमकिन वजूद है और वो वाजिब वजूद को नहीं समझ सकता जब तक कि कोई ऐसा ना हो जो दोनों के दरमियान रास्ता हो। जब दोनों के दरमियान, जैसे आईना है, आईने में आप अपना चेहरा देखना चाहें, जब तक कि उसके पीछे कुछ प्लेटिंग नहीं होगी, शीशा रहेगा तो आर पार हो जाएगा सिलसिला, पीछे प्लेटिंग होती है जो जहाँ पे जाके आप रुक जाता हो अपनी शक्ल नजर आती है। बस वही मसला है कि ये उस आईने के पीछे जैसे एक खाक है या जो भी प्लेटिंग होती है, ये आईने के पीछे वो है जिनको आप लगा के देखिए खुदा का जलवा नजर आएगा। लाजिम यह है कि अल्लाह की, अल्लाह का वादा यह है कि हम दीन को गालिब रखें। तो अब हर मोमिन की जिम्मेदारी अपना किरदार इस तरह रखे, इसलिए मौला ने क्या कहा कि मेरे लिए जीनत बनना, मेरे लिए नंगवार, या वो रिवायत जो कुछ दिन पहले जिसका जिक्र आया था कि मौला ने अपने चाहने वालों को दूसरे में कहा क्या कहा कि अल्लाह इनको तुम मुंतशिर कर दे, क्योंकि जहां हमारे चाहने वाले जाएंगे वहां हक का पैगाम देंगे। अपने किरदार के जरिए से, अपने रहन सहन के जरिए से, अपने अखलाक के जरिए से, जब अपने अखलाक को पेश करेंगे, आइमा ने जिस तरह से अपने अखलाक को पेश किया, अपने किरदार को पेश किया, अपने मामलात में वो पक्के शिया रहे। और मैं मौला अली ने जो समाजी मसाइल को पेश किया तो यहाँ तक पेश किया, मौला कहा कि देखो तुम्हारे समाज में आप देखिए ये है, तुम्हारे समाज में दो किस्म के लोग, एक वो है कि जो तुम्हारे दर पे आएंगे, एक वो है जिनके दर पे तुम्हें जाना होगा। अब बताते हैं मौला, जिनके दर पे तुम्हें जाना होगा, एक तो आपके आ जाएंगे मांगने के लिए, एक वो है जो तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, ये वो लोग हैं।